असलकम वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स एज यू सी मैंने एक औरगेन्जा का मेरून कलर का दुबट्टा लिया है और औरगैनजा मैं आपको बताती चलूँ कि ये औरगैनजा ही इसका नाम है और ये टिशू की फॉर्म में होता है तो थोड़ा और थोड़ा प्योर होता है थोड़ा उससे बेटर क्वालिटी में आपको मिलेगा ये दुबट्टा मैंने लिया है और इसके साथ मैंने डोरी ले ली है ठीक है ये जो डोरी होती है ये सिल्वर कलर की भी होती है गोल्डन भी होती है मैं सिल्वर का यूज़ कर रही हूँ तकरीबन टवेल्व मीटर्स आपको चाहिए होगी लेकिन मैं सिर्फ बॉर्डर्स पे लगाऊंगी जहाँ मैंने टसल्स लगाने हैं तो मैंने फ़ोर मीटर्स ली है ये रेड रिबन है रेड रिबन आपने चौड़ा वाला लेना है रेड इसलिए लिया है क्योंकि मैरून दुबट्टा है उसके साथ जो टसल्स बनेंगे तो उनका जो कलर है वो मैच होना चाहिए आपके दुबट्टे के कलर से सो आई गॉट रेड कलर रिबन मैरून रेड मतलब सेम आप कंट्रास्ट कर लीजिएगा तो ये भी तकरीबन आपको थोड़ा सा चाहिए होगा साथ में मैंने ये शीशे ले लिए हैं ये आपको बाजार से इज़ीली ट्वेल्व मिल जाएंगे बहुत ही सस्ते और जितने आपने टसल्स बनाने हैं उतने है ले लीजिएगा बड़ी बैंगल लेनी है ठीक है तकरीबन फोर्टीन बड़ी बैंगल्स ले लें बिग बैंगल्स नीड ट्वेल्व फिफोर्टीन एंड बिकॉज़ आपने दोनों साइडों पे लगाने हैं तो हमें चौदह चाहिए होंगे जिनको हाफ हफ करके हम टेसल्स बना के लगाएंगे तो चौदह ही आपको छोटी बैगल्स चाहिए होंगी बड़ी बैंगल्स आपने ले ली फोटीन और छोटी बैंगल्स आपने ले ली फोटीन और अलॉन्ग विध दैट मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने स्टील की बैंगल्स ली हैं ये देखें क्योंकि अगर आप चूड़ी वाली लेंगी तो आपने देखा होगा कि टसल्स बहुत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि उसमें चूड़ी पतली चूड़ी का कांच की चूड़ी का इस्तेमाल किया गया होता है लेकिन हम मज़बूत चीज़ बनाएंगे और हम स्टील की बैंगल लेंगे यू नीड टू बाय द स्टील बैंगल्स सो so, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने टसल कैसे बनाना है बड़ी बैंगल्स के लिए जो हम टसल बनाएंगे बड़ी बैंगल्स के साथ बिग बैंगल्स से जो हम टसल बनाएंगे उसके लिए आपको तकरीबन ट्वेंटी टू इंच का रिबन चाहिए होगा ठीक है अपने हिसाब से कर लीजिएगा जितना होगा साथ ही जो डोरी है वो भी मुझे ट्वेंटी टू की चाहिए होगी बड़ी बैंगल के लिए तो अब मैं आपको छोटी बैंगल का बताऊँगी जो छोटी बैंगल्स हैं ये आपने ले लेनी है सिक्सटीन इंचेस ठीक है रिबन तो आपने सिक्सटीन इंचेस लिया है लेकिन जो आप सात डोरी यूज़ करेंगे उसकी जो लेंथ होगी वो आपने बड़ी रखनी है आ, ये जो ये है इट शुड बी ट्वेंटी टू इंचज़ सिक्सटीन इंचज़ रिबन एंड ट्वेंटी टू इंचज़ जो डोरी है वो आपने लेनी है ठीक है छोटी वाली की ज़रा डोरी हम लंबी रखेंगे क्योंकि हमने इसको ऊपर वाली के साथ अटैच करना होगा ट्वेंटी टू सेम आ जाएगी ठीक है तो अब ये बनाने ये चीज़ें आपने मेजर कर लेनी है और अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने बैंगल्स को यूज़ करके टसल किस तरह से बनाना है सबसे पहले हम आपको बताएंगे बड़ी बैंगल का अब आपने करना कुछ इस तरह है कि इस रिबन को आपने बहुत ही टाइटली इसके अराउंड जो है वो घुमाना है और टाइटली अराउंड जो है वो इसके आसपास इसको आपने बंद कर लेना है लेकिन क्योंकि ये खुल ना जाए इसलिए मैं पहले इसको इसके साथ स्टिच कर रही हूँ धागा आपने मैरून कलर का यूज़ करना है और पहले इसको स्टार्टिंग में स्टिच कर लें ताकि ये खुल ना जाए इस तरह से मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ ये देखें अब फ्रेंड्स सीधी तरह जो होती है सीधी तरफ जो होगी उसको आप इसके साथ घुमाना शुरू कर दें अब जहाँ स्टिचिंग हुई है उसके ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से और बहुत टाइटली आपने जो है वो इसके अराउंड इसको आ, लगाना है ताकि खुला बिल्कुल ना हो और बहुत ही नीट एंड क्लीन लुक आए जैसे बाज़ार में टसल्स मिलते हैं तो वो आप इस तरह से बना सकते हैं सारी बैंगल्स को आपने बिल्कुल इसी तरह बनाना है जो प्रोसीजर मैं आपको इससे बता रही हूँ अच्छा अगर आप ज़्यादा टसल्स लगाना चाहते हैं तो आप फोर्टीन से ज़्यादा रख लें अगर आप कम लगाना चाहते हैं तो कम से कम बारह होती हैं मतलब छः एटलीस्ट हर दोनों साइडों पे सिक्स सिक्स हो जाएंगे मैं जो हूँ वो सेवन सेवन कर रही हूँ तो फ़ोटीन टोटल मुझे बड़ी बैंगल्स और फोरटीन मुझे छोटी बैंगल्स चाहिए होंगी ये देखें अब ये हो गया यहाँ से अब इसको भी मैं यहाँ पे कर दूँगी स्टिच ताकि ये इसके साथ बिल्कुल पक्का हो जाए ठीक है बहुत टाइटली इसको आपने आ, साथ में जोड़ना है रिबन को रिबन के साथ ही मिला के हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे अब ये आपका रिबन जो है वो यूटिलाइज़ हो गया है ज़रा ज़्यादा आपने करना है ताकि ये बिल्कुल इसके साथ पक्का हो जाए और खुले नहीं अच्छा ये रेडी करने के बाद अब जो मैंने आपको डोरी का बताया था जो कि हमने ट्वेंटी टू इंचज़ सेम लेंथ की ली थी वो आपने ले लेनी है लेकिन उससे पहले मैं छोटी बैंगल्स भी बता देती हूँ कि उसको आपने सेम इसी प्रोसीजर के साथ आपने जो है वो आ, अटैच करना है रिबन को सारी बेंगल्स को पहले आप रिबन लगा लें और रिबन के बाद मैं आपको स्टेप बताऊंगी कि आपने किस तरह से ये और बनाना है यही टसल्स फ्रेंड्स दुपट्टे के अलावा आप फ्रॉक के नीचे लगा सकते हैं दामन पे लगा सकते हैं और बहुत से तरीके हैं इसको यूज़ करने के नाउ फ्रेंड्स अब डोरी लेकर मैंने डोरी को पहले इसके ऊपर बांधना है इस तरह से ठीक है दो दफ़ा आप इसको नॉट लगाएंगे फिर मैं तीसरी दफ़ा भी नोट लगा रही हूँ इसको इस तरह से आपने नोट लगा के जो एक्स्ट्रा है वो आपने काट देना है और अब आपने इसको डिस्टेंस रख के आपने इसके अराउंड इसको लगा लेना है ठीक है इस तरह आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से रेडी हो गया है ये देखिए अब जो आखिरी वाले ना उसको आपने किस तरह से बंद करना है ये देखिए दूसरी साइड से लाकर आपने इसको अंदर डालकर इसको बंद कर लिया और फिर इसको खींच किस तरह आप इसको रिपीट करके बार बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने किस तरह से इसको बंद किया ऊपर से मैंने काट दिया है सेम इसी तरीके से कीजिएगा क्योंकि अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो आपका जो गोटा है जो आपकी डोरी है वो निकल जाएगी और टसल जो है वो आपका सारा बर्बाद हो जाएगा अब छोटी बैंगल्स के अराउंड भी आपने इसी तरह से बनाना है आप पॉज करके बेशक देख सकते हैं वीडियो में कि हमने ये देखें इस तरह से आपने रखा दूसरी साइड से आप इसको अराउंड लेके आए एक नॉट हो गया फिर आप दोबारा दूसरी साइड से ला के दूसरा नॉट हो गया इस तरह से अच्छा अब ये जो छोटी बैंगल्स थी इसको मैंने बीच में रखना है और क्योंकि मैंने इसका जो डोरी थी वो लंबी रखी थी तो उस डोरी को यूज़ करते हुए मैंने इसको ऊपर वाली डोरी के ऊपर वाले बैंगल के साथ बांध दिया है ठीक है एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरह हमने रिबन बांधा था जिस तरह हमने डोरी बांधी थी पक्की की थी ठीक है आपने डोरी लगा ली दोनों पे डोरी लगाने के बाद क्योंकि छोटी बैंगल की डोरी लंबी थी तो उसको मैं ऊपर से मैंने उसके साथ बांध ली अब यहाँ पे जो डोरी है बहुत सारी उधर से मैंने यूज़ करके बीच में इसके मिरर लगाना है ये मिरर्स आपको बहुत इजीली मार्केट से मिल जाएंगे अराउंड इसके एक गोटा लगा होता है और फ्लावर सब बना होता है इसको आपने पक्के से सीधा सीधा इसके साथ लगा देना है और ऊपर आप देखें कि छोटी बैंगल का जो एक्स्ट्रा मैंने डोरी ली थी जो एक्स्ट्रा डोरी ली थी वो किस लिए मैंने का, ली थी क्योंकि ऊपर से ये है कि जो टसल होगा वो हमने अटैच भी तो करना है दुपट्टे के साथ तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक्स्ट्रा जो है वो थोड़ा सा गोटा बचा हो डोरी आपके पास बची हो ये इस तरह से और पीछे से भी मैं इसको बिल्कुल पक्का कर दूँगी नीचे से टांगा लगाने का फ़ायदा ये होगा कि ये उसके साथ बिल्कुल स्टिक हो जाएगा और खड़ा हो जाएगा अपनी जगह पे। अब हम धागा एक्स्ट्रा काट लेते हैं ये देखें ये हो गया हमारा टसल रेडी इसी तरह 14 टसल्स को रेडी कर लीजिए अब हम आपको बताएंगे आपने इनको अटैच कैसे करना है दुपट्टे के साथ अच्छा फ्रेंड्स और गेंज़ा का दुपट्टा है अब जो बॉर्डर्स हैं मैंने जहाँ टसल्स लगाने हैं वहाँ पे मैं रिबन लगाऊंगी और जो है मैंने वहाँ पे पाइपिंग कर ली है उनको जस्ट फोल्ड करके मैंने स्टिच कर दिया है अब यहाँ पे आपने इसको पहले फ़ोल्ड करके रखना है फिर आपने ये जो पतली डोरी है इसको ऊपर रख के इस तरह से आपने सीधा रख लिया और आपने इसे बड़े सीधे तरीके से नीट एंड क्लीन जो है आपने स्टिचिंग करनी है अब ये मैं सिर्फ बॉर्डर्स पे लगा रही हूँ जहाँ पे मुझे टसल्स लगाने हैं और जो दो साइड्स हैं उनको मैंने जस्ट पाइपिंग कर दी है उनको मैंने फोल्ड करके स्टिच कर दिया है वहाँ पे रिबन लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप फोर साइड्स पे लगाएंगे तो आपको ट्वेल्व मीटर्स का तकरीबन ये वाली डोरी चाहिए होगी अदरवाइज़ आपकी फ़ोर मीटर्स की डोरी में भी काम हो जाए ये फ्रेंड्स आप देखें आपका दुपट्टा रेडी हो गया साइडों से मैंने इसको सिलाई कर ली है और अब मैं आपको टसल बताती हूँ आपने कैसे लगानी है इसकी बिल्कुल बाउंड्री पे आप लगानी है इसको मैं बिल्कुल छोटा सा कर दूँगी और सबसे पहले कोने में आपने इसको इस तरह से फोल्ड किया और अब जो है इसको कॉर्नर भी रखे आपने सुई धागे से इसको अटैच कर लेना है अब ये देखें ये आपका इस तरह से अटैच हो गया अब फ्रेंड्स आपने क्या करना है तकरीबन एक हाथ का फासला रखना है तकरीबन फ़ाइव टू सिक्स इंचेस सिक्स इंचेस का डिस्टेंस आप करेंगे तो बहुत इजीली दूसरा आपका जो टसल है वो वहाँ पे आ जाएगा ठीक है एक हाथ का डिस्टेंस यानी तकरीबन छः इंचेस ठीक है डिस्टेंस कर लें और टसल जिस तरह आपने पूरे बॉर्डर पर लगा लेने हैं देखें फ्रेंड्स कितना खूबसूरत सा दुपट्टा रेडी हो चुका है दोनों बॉर्डर्स को आपने सेम इसी तरह तैयार कर लेना है अगर तो आप इस दुपट्टे के बीच में भी कोई गोटे वगैरह लगाना चाहते हैं तो छोटे छोटे गोटे के स्टार्स वगैरह जो फ्लावर्स बने हुए मिलते हैं आप दुपट्टे को भी फैंसी इस तरह कर सकते हैं मैंने मेन इसमें इस सिखाया है आपको टसल्स बनाना होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक और थम्सअप कर दीजिए और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो और दुपट्टा डिज़ाइंस भी देखिए और वीडियोस भी हमारी देखिए आपको होपफुली बहुत पसंद आएंगी और आप बहुत कुछ सीखेंगे बहुत नई चीज़ें सीखेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग खुदा हाफिज़